能解完，把这张给。एक छोटा सा सवाल कंडक्शन चैप्टर का और है, अगर आप कहें तो हम बता दें और आप रिवीजन स्टार्ट करें। तुम अगर कुछ काम करेंगे हम कुछ काम करेंगे हम लेकिन टू ब्लॉक्स हो चलो ले जाना तो काम करो। टू ब्लॉक्स ऑफ सेम डायमेंशन बट ऑफ जाड़े में दरवाजा खोलना किसी गुनाह से कम नहीं है। बट ऑफ डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटीज but of different thermal conductivities K1 and K2 are kept in thermal conductivities K1 and K2 are kept in parallel arrangement. What is their equivalent thermal conductivity? ठीक है बेटा, solution के इसका लिखे solution के लिखे let us consider two blocks of same area A. Let us consider two BW, two blocks of same area, A, capital A, and thickness small d, kept in parallel arrangement, as shown in the following figure. ये क्या है बेटा, डी है, ये क्या है बेटा, ए है। बेटा कॉमेडी मत करो और ना एक्शन मोड में आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। पी क्यू कॉमेडी ना करें आप और ना आपको एक्शन मोड में आना पड़ेगा। चलिए साहब, अलग अलग बना है ना, एक में टेढ़ा बना के सीधा बना दो तो मैं पता चलेगा अलग अलग है, दोनों टेढ़ा बना के सीधा पता चलेगा अलग अलग है। हाँ
नाम दीन दयाल है ना, नाम गरीबों वाला काम रईसों वाला किया करो यार। गरीब लोग तो नाम भी गरीब होते हैं, क्योंकि हीट फ्लो थ्रू, हीट फ्लो थ्रू, हीट फ्लो थ्रू, हीट फ्लो थ्रू, हीट फ्लो थ्रू द ब्लॉक, हीट फ्लो थ्रू द ब्लॉक, पी क्यू आर एस पर सेकेंड इज गिवन बाय ठीक है। चल माना कि पूरे ब्लॉक से जो हीट फ्लो कर रही बेटा वो कितनी है, क्यू है, ठीक है ना। तो क्यू का पर्ना क्या हो जाएगा, माइनस के ए, तो ए की जगह पे ए प्लस ए होगा तो कितना होगा बताइए, पूरे फिर डी थीटा बाई डी एक्स कर दीजिए, कोई तो दिक्कत है, इसको इक्वेशन बनवा दीजिए। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखे लिखे हीट फ्लो थ्रू द ब्लॉक वन पर सेकेंड इज गिवन बाय। अब देखिए ब्लॉक वन से हीट फ्लो कितना फ्लो करेगा बताइए, क्यू वन किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के ए डी, माइनस के वन ए डी थीटा बाई, ये तीन होगा, माइनस के वन ए डी थीटा बाई, छापी के वन ए डी थीटा बाई, ठीक है। इसको क्वेश्चन कितना बना देंगे बाबू, वन की टू की थ्री की फोर हीट फ्लो थ्रू ब्लॉक टू पर सेकेंड इज गिवन बाय क्या हो जाएगा बेटा बताओ, Q2 बराबर किसके हो जाएगा बेटा बताओ, Q2 बराबर किसके हो जाएगा, माइनस K2A c थीटा बाय dx, इससे इक्वल आ जाएगा बेटा बताओ क्वेश्चन नंबर 3। छाप दीजिए फिर लिखा था, फिर लिखिए इन थर्मल इक्विलिब्रियम क्यू बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 कम ही है ना, तो दिस इंप्लाइज दैट क्यू बराबर कितना हो जाएगा बताइए, माइनस के इनटू 2a डी थीटा बाई डी एक्स, इसके इक्वल आ जाएगा बताइए, माइनस के ए डी थीटा बाई डी एक्स, के वन ए डी थीटा बाई डी एक्स, माइनस के टू ए डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स क्या हो गया, सही हो गया, ए ए ए क्या हो गया, सही हो गया, क्या मिला बताइए, माइनस टू के, या माइनस माइनस हो गया, क्या मिला, टू के बराबर किसके इक्वल आ गया, के वन प्लस के टू के, और के बराबर किसके इक्वल आ गया बाबू, के वन प्लस के टू बाई टू के, छाप दो। पैरेलल अरेंजमेंट में ब्लॉक को जब रखेंगे तो क्यू एल एन थर्मल कंडक्टिव कितनी आएगी, के वन प्लस के टू बाई टू, छाप दो, छाप दीजिए। और इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो गया आपका, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे थर्मल रेडिएशन, ये नहीं भी कराते तो कोई दिक्कत नहीं था, साउंड फिर कभी करा देते, पर बचा हुआ था एक सवाल कराए देते, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट लगा कोई समस्या नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट हेडिंग का आप डाल दीजिए थर्मल रेडिएशन, डाल इसको जी थर्मल रेडिएशन। No requirement of any medium for the transmission from one point to another is called thermal radiation is called thermal radiation। ठीक है, चलिए पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा लिखिए। There are following properties of thermal radiation and are given by। ठीक है, नंबर वन लिखिए पहला। Thermal radiation follows straight line path। Thermal radiation follows reflection, light radiation। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रेडिएशन
ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रेडिएशन, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रेडिएशन, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रेडिएशन एग्जिस्ट इन थर्मल रेडिएशन, एग्जिस्ट इन थर्मल रेडिएशन एक्सेप्ट सम थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, एक्सेप्ट सम थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, एक्सेप्ट सम थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। ठीक है बेटा, चलिए जरा पढ़ डालिए पूरी डिफिनेशन, जरा आप पूरी डिफिनेशन पढ़ डालिए। जरा आप पूरी डिफिनेशन पढ़ डालिए। बताइए इस काम में से क्या शिक्षा मिल रही है आपको? बताओ बेटा, आपसे बताओ अभी इस काम से क्या शिक्षा मिल रही है? मीडियम वाला करना जी को रेडिएशन कहते हैं। ठीक, चलो बात समझ आ रहा है क्या कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसमिशन ऑपरेट हो रहा है बिना मीडियम के, देखिए प्रोसेस क्या कराता है, हमारा रेडिएशन कराता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, समझिए पहले आप एक बात समझाए होंगे जब केमिस्ट्री को पढ़ा रहे होंगे कि देखिए केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस अगर बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का आप देखेंगे, या फिर भाई साहब को बताई होगी कि केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस अगर आप देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एनुअल सिस्टम वाला, सीबीसीएल तो सब चौपट हो गया उसकी बात नहीं करेंगे, एनुअल सिस्टम वाला जो आप देखेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, उसमें आपको एक चीज समझ में आएगी क्या कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला करके आपको सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट पढ़ाया जाता है। ये पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिलाकर पढ़ाया गया। क्यों पढ़ाया गया पता है आपको? देखिए माध्यम की समझ होना क्या होता है बेटा, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी फिजिकल फिनोमेना को आप मीडियम में परफॉर्म करेंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप किसी माध्यम में करेंगे ना, चाहे सॉलिड का माध्यम हो, चाहे लिक्विड का माध्यम हो, चाहे गैसीय का माध्यम हो, ये तो मीडियम से एग्जिस्ट करता है ना भाई, हमारे अर्थ पे ये तीन माध्यम हमारा एग्जिस्ट करता है, तीन मीडियम सॉलिड लिक्विड और गैस, ये ना एग्जिस्ट करता है हमारे अर्थ के सिस्टम में, तीन ही मीडियम एग्जिस्ट करता है ना, सॉलिड लिक्विड और गैस, प्लाज्मा भी एक होता है वो भी ना एग्जिस्ट करता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए 10 टू द पावर 7 केल्विन, दादी नानी सब याद आ रहे हैं, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, हड्डी वड्डी सब खत्म हो जाएगी, समझ रहे आपका, हड्डी का भी राग बन जाएगा और आग का भी राग बन जाएगा 10^7 के लिए, तो मैंने आपका मतलब 10^7 में बहुत हाई टेम्परेचर हो गया, और उतने ही हाई टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल्स आपके आयोनाइज्ड होते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा आपका आयोनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल को आयोनाइज करने के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए होता है, और वो हमारे अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से प्लाज्मा स्टेट आपके अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, तीन स्टेट आप एग्जिस्ट करती है सॉलिड लिक्विड और गैस, और इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि माध्यम की समझ होना क्या है बेटा, बिना माध्यम को जाने, बिना माध्यम को समझे आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ठीक, अब देखिए एक चीज और का सोचिए कि कंडक्शन को समझना आसान है कि रेडिएशन को, किसको समझना आसान है? हमें यहाँ कंडक्शन इतना आसान चैप्टर तो बताइए, एमबीटीआई समझ आ गया? मुक्ति तक तो याद रखा हमने, अब ये समझ आ गया? इसमें क्या है, इसमें कुछ है नहीं समझ आ गया, क्यों इसको जो फॉर्मूला है एक फॉर्मूला रखिए आप उसी पे थर्मल एक्सपेरिमेंट दोनों बराबर करते काम करता है, और क्या इसमें कुछ था एक और चीज और है क्या जिंदगी में आप लोगों के फॉर्मूले के अलावा थर्मल स्टेबिलिटी और है क्या, केमिकल इंबैलेंस केमिकल ऊर्जा और जिंदगी में है क्या हम लोगों को, यही सब है, बताइए चलिए कौन समझने ज्यादा मुश्किल है? रेडिएशन ना मुश्किल है, क्यों? बीच में कोई मीडियम ही नहीं है भाई, कोई माध्यम ही नहीं है, अब सो कैसे समझेंगे? देखो पूछा ही नहीं, ये सब चीज कभी
तो जब मीडियम आपका नहीं होता है तो प्रोसेस को समझना क्या होता, मुश्किल होता है। क्यों भाई, कोई प्रोसेस हो रहा है तो मीडियम की स्टडी करके आप उस प्रोसेस को समझ सकते हैं, जब मीडियम ही नहीं है तो आप प्रोसेस कैसे समझेंगे। बात समझिए, उसके लिए क्या ऑप्शन था, उसके लिए एक ऑप्शन ये था, पहले दिक्कत ये थी भैया कोई मीडियम का प्रोसेस समझे कहते, उसके लिए फिर कंपैरिजन किया गया और कंपैरिजन करके क्या समझाया, यार जो लाइट रेडिएशन होता है थर्मल रेडिएशन उसी तरीके से होता है, जैसे लाइट रेडिएशन में आपका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का फिनोमेना फॉलो किया जाता है, वही फिनोमेना थर्मल रेडिएशन में क्या होता है बेटा, फॉलो होता है। बस लाइट रेडिएशन में हम थर्मोडायनेमिकल इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट कंसीडर नहीं करते और थर्मल रेडिएशन क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। बस समझ आ रहा ना कि थर्मल रेडिएशन में हीटिंग इफेक्ट कंसीडर कर लेते हैं, बाकी सारा कुछ लाइट रेडिएशन की तरह से होता है। तो थर्मल रेडिएशन को भी अगर हम लाइट रेडिएशन से कंपेयर करके समझें तो समझना बेटा क्या है, आसान। एक शब्द होता है रेडिएशन और एक शब्द होता है बेटा इमिशन। दोनों का मतलब क्या होता है, पहले इनको ये बताइए, रेडिएशन और इमिशन में क्या अंतर है? सर इसमें इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन इज इंट्रोड्यूस होते हैं इमिशन में, इमिशन होता है इमिशन में। सोचिए दो शब्द आपके सामने हैं और दोनों सुनने में ही जैसे लगते हैं। सर इसमें इमिशन में मीडियम की आवश्यकता पड़ती है लेकिन रेडिएशन नहीं होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोसेस होते हैं जब नाम उन्ना ना। सर रेडिएशन में किसी बच्चे कितना बच्चों का कितना जा रहा है, हर साल इसे सवाल पूछते हैं, हर साल मैंने जवाब पूछते हैं अनुभव, आपने अनुभव के आधार पर जवाब देते हैं ना, बात नहीं क्या के आधार पर नहीं, आप अपने अनुभव के आधार पर जवाब दो। देखिए दो तरह की चीज होती है, एक होता है एजुकेशन, एक होता है नॉलेज। एजुकेशन नॉलेज में अंतर होता है, एजुकेशन क्या होता है जो आप ट्रेनिंग से सीखते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं BSc तो आप एजुकेशन ट्रेनिंग से, नॉलेज क्या होता है नॉलेज आप अनुभव से सीखते हैं, तो जवाब आपको देना चाहिए एजुकेशन से, आप देते हैं नॉलेज से, यही समस्या हो जाती है क्योंकि अनुभव कुछ कहा है समस्या ही है, जहाँ नॉलेज से जॉब देना होता है वहाँ पे एजुकेशन से जॉब देते हैं और जो एजुकेशन से जॉब देना वहाँ नॉलेज देने लगते हैं, यही मामला गड़बड़ हो जाता है। चलिए बताइए, देखिए इमिशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएशन, बात समझ आ रहा है ना, इमिशन एनर्जी का इमिट होना ही क्या कहलाता है बेटा, रेडिएशन कहलाता है, ठीक है ना। इमिशन जो है वो जनरल वर्ड है, इमिशन पार्टिकल का भी हो सकता है, इमिशन एनर्जी का भी। तो अगर एनर्जी के सम से अगर एनर्जी का एमिशन हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेडिएशन कहेंगे, क्या कहेंगे, रेडिएशन कहेंगे। भाई सन से लाइट आ रही है बिना मीडियम के तो आ रही है ना, इमिशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएशन। मतलब क्या, इमिशन बेटा एक जनरल शब्द है, एक जनरल वर्ड है, उसका एक पार्ट क्या हमारा रेडिएशन, एक पार्ट बेटा हमारा क्या है रेडिएशन, ठीक है। इमिशन आपका पार्टिकल का भी होता है, एनर्जी का भी होता है, तो जब इमिशन हमारा एनर्जी का होगा उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, रेडिएशन कहेंगे। अब देखिए रेडिएशन वर्ड कई कई जगह पे अलग अलग सिस्टम में यूज होता है, जैसे आपको रेडिएशन मतलब हम क्या लिखा है, प्रोसेस लिखा है, पर एनर्जी के लिए भी लोग रेडिएशन वर्ड यूज कर देते हैं, एनर्जी के लिए भी लोग रेडिएशन वर्ड क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे न्यूक्लियर, जैसे आप पढ़ते होंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास जो है बहुत मोटी वॉल बनाई जाती है कि रेडिएशन फैल जाएगा, तो रेडिएशन फैल जाएगा मतलब क्या है कि जो एनर्जी उसमें से निकल रही है वो पूरे एनवायरनमेंट में जाकर फैल जाएगी। तो रेडिएशन वर्ड का दो मतलब लोग निकालते हैं, एक मतलब होता है प्रोसेस और एक मतलब होता है एनर्जी। बात समझिएगा, रेडिएशन को दो नाउन में यूज किया जाता है, एक होता है प्रोसेस और एक होता है बेटा एनर्जी। अब आपका अपना विवेक है कि सेंटेंस पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि प्रोसेस की बात हो रही है या एनर्जी की बात हो रही है। बात समझ आ रहा है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। रेडिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोसेस।
एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती हीट के ट्रांसमिशन के लिए। पर लोग रेडिएशन 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 बोलते बोलते एनर्जी को ही क्या बोलने लगे हैं, रेडिएशन। तो आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। इस सेंटेंस अगर कहीं लिखा है तो आपको समझना पड़ेगा उस सेंटेंस में रेडिएशन का मतलब प्रोसेस की बात है या रेडिएशन मतलब एनर्जी की बात है। आपको कंफ्यूजन होगी आपको कई जगह कंफ्यूजन होती होगी। एनर्जी की जगह पे लोग बैटरी वर्ड यूज करते हैं रेडिएशन, और रेडिएशन एक्चुअल में क्या है, प्रोसेस। रेडिएशन एक्चुअल में क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। पर अब बिगड़ते 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 रेडिएशन वर्ड लोग एनर्जी में क्या कर देते हैं यूज करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा जहां रेडिएशन लिखा है उसके आसपास का सेंटेंस पढ़िए, पूरा सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि उस सेंटेंस में रेडिएशन प्रोसेस की बात कही गई है या वहां पे रेडिएशन वर्ड एज अ एनर्जी का सिनोनिम क्या किया गया है। तो आपके अपने विवेक के ऊपर है कैसे आप पढ़ते हैं, ठीक है। और इमिशन और रेडिएशन में अंतर होता है। इमिशन इज अ जनरल केस और उसका स्पेशल केस क्या होता है, रेडिएशन। जैसे इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, इमिशन ऑफ गामा रेज। तो इमिशन ऑफ गामा रेज क्या है बेटा, रेडिएशन, ठीक है ना। इमिशन ऑफ अल्फा रेज बीटा रेज क्या है आपका, पार्टिकल का इमिशन। तो अलग चीज है, पर इमिशन ऑफ जो गामा रेज होता है वो क्या कहलाता है हमारा, रेडिएशन। बात समझ आ रहा ना। तो इमिशन का एक स्पेशल केस क्या है, रेडिएशन, ठीक है। ये सब बात आपको समझनी पड़ेगी। इमिशन जनरल केस होता है, उसका एक स्पेशल केस क्या बेटा, देखिए लिखने के तरीके पे कई चीजें डिपेंड करती हैं। अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए और जानिए किसका मतलब ये भी होता है। जहां पर भी एनर्जी का सिनोनिम रेडिएशन यूज किया जाता है, बहुत सही शब्द नहीं है वो, पर बिगड़ते 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 हम लोग यूज करते रहे, तो आपको समझना पड़ेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। एनर्जी का सिनोनिम लोग रेडिएशन भी ऐसा क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। पर आपको टेंशन लेना नहीं है, आप रेडिएशन को पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस जिसमें एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी के ट्रांसफर के लिए माध्यम की आवश्यकता बेटा नहीं हो। बात समझ आ रहा है, कर लेंगे। चल प्रिंटिंग स्टार्ट करिए। हां चलिए लिख, और डेफिनेशन हम क्या देंगे, विदाउट मीडियम। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी क्या होता है बताइए, ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक होल। बिच्छू मतलब मालूम है, साफ में हाथ डाल रहा है, ब्लैक होल की बात कर रहा है। प्रकाश उत्सर्जन को ऑब्जर्व करते हैं। A body which absorbs, a body which absorbs most of the radiation. अब देखिए यहां पर रेडिएशन वर्ड किस तरह से यूज हुआ है, एनर्जी की तरह से। most of the radiation incident on it, then such a body is known as black body. a perfectly black body is such body which absorbs all the thermal radiations incident on it. तो perfectly black body क्या होती है? क्या करती है? सारी radiation को absorb कर लेकर रहता है perfectly black body। इसका example क्या होगा? Perfectly black body example क्या होगा? बेटा black hole का नाम मत लिया करो। black hole का नाम लेने चाहिए आप लोगों को। ब्लैक होल ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं है लोगों को।
जो हमें दिखता हो। बेटा लाइट की बात हो रही है ना, ऊपर वाला लाइट पढ़ो बेटा, दोनों आंखें खोल कर गई। बादाम नहीं खा रही क्या सुबह सुबह? टूथपेस्ट में नमक खत्म हो गया तुम्हारे गरीब लोग, आयोडीन की कमी हो रही है। टूथपेस्ट में नमक लीजिए और सुबह बादाम खाइए, मछली खाते मछली की मात्रा बढ़ाइए तो दिमाग खुलेगा बेटा। थर्मल डिस्क में लाइट ना आ जाएगी भाई। पढ़ेंगे क्या थर्मल पढ़ेंगे ना बाबू, पैसा किसका देती है उनको थर्मल पढ़ाने का ना। ठीक हूँ, ऑफिस की बात करेंगे उसका पैसा नहीं होता। क्या समझ आ रहा आपको? अच्छा इससे एग्जाम्पल बताइए। चलिए कुछ देर के बाद आपको बता दें एग्जाम्पल, कुछ देर के बाद क्या कर रहे हैं आपको एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट आपको देना कर रहे हैं। चलिए अब ब्लैक होल का नाम देखिए मत लिया करिए। क्यों? एक वर्ड होता है सिंगुलैरिटी, कभी नाम सुने आप सिंगुलैरिटी? सिंगुलैरिटी समझते हैं आप क्या होता है? सिंगुलैरिटी ये क्या होता है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को ही सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी वो पॉइंट होता है जिस पर नॉन फिजिकल लॉज हमारे एग्जिस्ट नहीं करते। सिंगुलैरिटी हमारा वो पॉइंट होता है जिसमें नॉन फिजिकल लॉज हमारे एग्जिस्ट नहीं करते, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक होल। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसपे सारे नियम कानून क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं, है ना। तो ब्लैक होल के नाम आप मत लिया करिए क्योंकि वहां पे जो भी नियम कानून है नॉन फिजिकल का, जो भी आप जानते हैं न्यूटन का नियम, क्वांटम का नियम, सब क्या हो जाता है बेटा? फेल हो जाता है। इसलिए ब्लैक होल क्या हमारा? सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी ऐसा पॉइंट जिसपे नॉन फिजिकल लॉज एग्जिस्ट नहीं करते क्या कहलाता है? सिंगुलैरिटी कहलाता है। और स्पेस में वो पॉइंट क्या है हमारा? ब्लैक होल। ठीक है ना। इनफाइनाइट मतलब वो शायद हम जाए बनाए रखो ना, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट मतलब तुमको बताया क्या होता है? ये बताया है कौन बताया है? तो बताइए इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? इसी बात पे हो गया मैम वर्सेस सर, बताओ किसी की लैंग्वेज बताओ यार। इनफाइनाइट इनफाइनाइट है सर। मैम इनफाइनाइट की क्वांटिटी नहीं होती है क्योंकि क्वांटिटी वो होती है जिसमें कुछ जोड़ा जाए या कुछ हटाया जाए फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो। लेकिन फाइनाइट में अगर हम कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे तो फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी। ये बताइए, इसलिए कोई डिजिट फाइल नहीं। ठीक है, इनफाइनाइट को उसके सिंबल को और क्या नाम देते हैं आप? इनफाइनाइट इनफाइनाइट आप कहते हैं इनफाइनाइट सिंबल है नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड? अनडिफाइंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडिफाइंड? जिसकी डेफिनेशन ना दी जा सके। ठीक, मैथ्स में आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो तुमको बताया गया है पता है? लिमिट वाला, लिमिट वाला नहीं बताया। लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय x माइनस a, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? सर इसकी लेफ्ट और राइट साइड से अप्रोच करते हैं। लेफ्ट साइड क्यों? लेफ्ट साइड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अभी चले से बात सीधा लगाइए। सर कहे एल हॉस्पिटल रूल लगो तो ब्रह्मास्त्र होता है बेटा, वो लास्ट में लगाते हैं ना। ब्रह्मास्त्र होता है एल हॉस्पिटल रूल, ब्रह्मास्त्र है वो, जब कुछ समय तब लगाते हैं एल हॉस्पिटल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा करके क्यों ए माइनस बी? क्योंकि सर इंडिटरमिनेट फॉर्म है, वही तो बताइए ना। क्योंकि सर 0 बाय 0 को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर अभी तक हमें ऐसी कोई वैल्यू प्राप्त नहीं है। इस बात बताइए यार, जीरो फाइनाइट नंबर है आपका? फाइनाइट नंबर नहीं, जीरो फाइनाइट भी है डिफाइन भी है। तो जीरो बाई जीरो क्यों अनडिफाइंड हो जाता है? तो उससे क्या मतलब है जीरो बाई जीरो क्यों अनडिफाइंड हो जाता है? फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जीरो डिफाइंड नहीं है। अच्छा, और कोई वैज्ञानिक को बता हो सर? जब हम रेशनल चीजें पढ़ते हैं, रेशनल नंबर पढ़ते हैं कि p नॉट इक्वल टू 0 दैट p2 होना चाहिए। जीरो बाई जीरो को हम कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते? मेरा ये सवाल है, 2 बाई 2 तो हम कर लेते हैं
वन बाई वन कम कर लेते हैं, जीरो नहीं करते हैं, क्योंकि सर अगर मान लीजिए डिवाइड करना है तो क्वांटिटी से पता होना चाहिए कि जीरो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें, कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं जीरो ही आता है और क्वांटिटी। अरे बेटा सीधे सीधे बोलो ना कि कैंसिलेशन लॉ जीरो पे होल्ड नहीं करता है। सवाल ये है, जवाब इसका ये कि कैंसिलेशन लॉ सारे रियल नंबर्स के लिए होल्ड करता है एक्सेप्ट जीरो। इस वजह से जीरो बाय जीरो को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो जीरो बाय जीरो हमारा क्या है? अनडिफाइंड है। जबकि जीरो क्या है? हमारा डिफाइन है। समझा रहा ना? जीरो के लिए कैंसिलेशन लॉ आपको होल्ड ही नहीं करता। जवाब ये है। और आप आए बाएं साएं दाएं बाएं घुमा रहे हैं ना, जीरो टू इनफिनिटी का हमने नाम लिया है क्या? हम तो डिफाइन नंबर लेके चल रहे हैं, इनफिनिटी का नाम ही नहीं ले रहे हम अभी तो। जीरो अपने पास पा रहे हैं, इनफिनिटी तो दूर की पौड़ी है बेटा, अभी तो जीरो नहीं समझ पा रहे हैं, अभी तो जीरो ही समझ पा रहे हैं। जीरो में ही गायब हो गया, इनफिनिटी तो दूर की बात है। अभी आप बिच्छू दोस्ती में सांप अपने में हाथ डाल रहा है, बताइए वो भी अजगर के मुंह में चीज है। रिलेशन होता है चाचा बता रहा हूँ। देखिए समझिए पहले, अब फिजिक्स में इनफाइनाइट क्या मतलब होता है ये बताइए। मैथ्स में तो चलिए कुछ जानते हैं आप लोग, फिजिक्स में क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, मैथ्स में कुछ ही जानते हैं एक्चुअली। फिजिक्स में क्या होता है बताइए, जिस वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इनफाइनाइट मान लेते हैं। क्या आप में से कोई एक्सट्रीम बनेगा कल का? नहीं, कोरोना बचेंगे तब तो वो आ गई आपकी बातें चल रही अपने जिनका नाम अच्छा होगा सर किसी का 25 तारीख को वही ना बात चल रही है जगह लगने हमारा सर्विसर नंबर पाले पड़े सर। वाइस चांसलर की बहुत तारीफ की है सर, वाइस चांसलर की बहुत तारीफ की है सर। कौन वो तो हम ही करना है सर, इतना अपना हो जाए बस। चलिए चलिए इनफिनिटी का कॉन्सेप्ट देखिए फिजिक्स में क्या होता है समझिए। फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब होता है डिस्टेंस, किससे होता है डिस्टेंस। जैसे एक फॉर्मूला आप लिखते हैं E is equal to K U by M C square, E is equal to K Q by R square, K Q by R square, किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, K Q by R square, ठीक है ना? आप ये बताइए, जब R आपका इनफाइनाइट होगा, तो E क्या होगा बेटा बताओ? जीरो, क्या होगा? जीरो, मतलब इनफाइनाइट कौन सा पॉइंट हो गया? इनफाइनाइट वो पॉइंट हो गया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाए बेटा? जीरो, क्या हो जाए? ठीक है, इसीलिए जब पोटेंशियल आप डिफाइन करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? आप कहते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में जो वर्क किया जाता है और उस चार्ज का रेशियो क्या कहलाता है? हमारा पोटेंशियल कहलाता है। तो
इनफाइनाइट बेटा कौन सा पॉइंट होगा? इनफाइनाइट वो पॉइंट होगा जहां पर इस चार्ज का प्रभाव क्या हो जाए, समझिएगा, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट। तो क्या इनफाइनाइट फिक्स होगा? नहीं होगा। जितना बड़ा चार्ज होगा इनफाइनाइट उतना ही क्या होगा बेटा, और इतना छोटा चार्ज होगा इनफाइनाइट उतना ही क्या होगा बेटा, पास होगा। तो इनफाइनाइट एक्चुअल में कोई पॉइंट नहीं होता, इनफाइनाइट बदलता रहता है ना। जैसे मान लीजिए भिखारी है, भिखारी के लिए हम लोग क्या है, इनफाइनाइट पर है। भाई भिखारी क्या कर लेगा, मैंने कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हम लोग के लिए अंबानी इनफाइनाइट पर है, क्या कर लेंगे, अंबानी का कुछ कर पाएंगे, बहुत हुआ जीवन इनको तो देख देंगे और क्या करेंगे, ये ना कर सकते, उससे उनको कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट किससे होता है, डिस्टेंस किससे होता है, डिस्टेंस। और जितना बड़ा चार्ज होगा इनफाइनाइट उतना ही क्या होगा बेटा, मैं समझा रहा है। अगर हम आपसे कहें कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे सर न्यूक्लियस ऐसा होता है, बिना न्यूक्लियस आपको पढ़ाया गया है, पर एक्चुअल न्यूक्लियस ऐसा नहीं होता, एक्चुअल न्यूक्लियस ऐसा होता है। ये न्यूक्लियस है आपकी, इसी खासियत क्या बताइए, क्या इसका कोई शार्प बाउंड्री है, कोई डिफाइंड बाउंड्री है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर आप घूम रहे हैं, घूम रहे न्यूक्लियर फोर्स आपको फील हो रहा है और निकलते निकलते घूमते घूमते आप बाहर आ जाएंगे और अचानक आप बोलेगा कि यार फोर्स का फोर्स जो है वो क्या हो गया, आपका खत्म हो गया, न्यूक्लियर फोर्स के प्रभाव से क्या आ गया, बाहर आ गया। पर एग्जैक्टली किस पॉइंट पे न्यूक्लियर फोर्स आपका खत्म हुआ आप बता पाएंगे क्या, नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बेटा कोई शार्प बाउंड्री यहाँ पे डिफाइंड है ही नहीं, क्योंकि क्लासिकल सिस्टम नहीं होता है। जैसे जो क्लासिकल सिस्टम होते थे हम आप, हमारी आपकी बाउंड्री क्या डिफाइंड है, इस कमरे की देखिए बाउंड्री डिफाइंड है। ये क्वांटम सिस्टम होते हैं जो थर्ड ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा, हमें पढ़ाया गया, क्वांटम सिस्टम की बाउंड्री क्या होती है, डिफाइंड नहीं होती है ना। तो वहां पर आप पता नहीं कर पाएंगे किस पॉइंट पे एग्जैक्टली आपका फोर्स क्या होता है, वैनिश कर जाता है, ठीक है ना। और चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या समझ आ रहा है आपको, कि जितना बड़ा चार्ज होगा इनफाइनाइट क्या होगा, उतनी ही दूरी होगी। यानी फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब डिस्टेंस, फिजिक्स में इनफाइनाइट मतलब इससे लगा सकते हैं डिस्टेंस, दूरी से। भाई जब आप टेलीस्कोप पढ़ते हैं तो टेलीस्कोप में आप रेस को कहां से आता मानते हैं, इनफाइनाइट से आता वो मानते हैं ना, इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, कहीं दूर से आ रहा है वो। और लैब में आप स्पेक्ट्रोमीटर यूज करेंगे, अभी ऑप्टिक्स में जाएंगे तो जरूर प्रैक्टिकल अलर्ट भी होगा, ऑप्टिक्स का स्पेक्ट्रोमीटर होगा, स्पेक्ट्रोमीटर का एक कंपोनेंट होता है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप। तो जब पास की चीज आप देख रहे हैं, भाई दूर से तो कोई चीज आप देखते नहीं, पास की चीज आप देखते हैं, तब क्यों टेलीस्कोप लगाते हैं, क्योंकि टेलीस्कोप में जो रेज आती है वो इनफाइनाइट पैरेलल हो जाती है विजिबल एक्सिस के, और कोई चीज पैरेलल है तो आप क्या मानते हैं, कहां से आ रही है, वो इनफाइनाइट से आ रही है। तो दूर की चीजों को देखने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, टेलीस्कोप यूज करना पड़ता है। मैं समझा रहा बेटा ये चीज, इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में किससे है, डिस्टेंस। जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसकी सबके लिए अलग अलग उसकी लिस्ट काउंट होती है क्या, हर स्पेक्ट्रोमीटर की लिस्ट काउंट अलग होगी, अगर 60 डिवीजन होगा कि सबसे छोटे लिस्ट काउंट का स्पेक्ट्रोमीटर डीएवी में है, पूरे गोरखपुर में अल्ट्रासोनिक वेव वाले में, वो तुमको थर्ड ईयर तक में आएगा, 5 सेकंड और 5 सेकंड है, 10 सेकंड का सबसे छोटा है, 10 सेकंड का नहीं सर, एक जो है उसका हम कैलकुलेट कर रहे थे, पर 5 आ रहा है, एक का 10 ऐसा कैलकुलेट करने नहीं होता है, बच्चे भी लिखा रहता है, लिखा रहता है स्पेक्ट्रोमीटर पे, लिखा रहता है क्या होता है, जिस नंबर पर सर आएगा वो बेटा जो लिखा रहे होगा ना कैलकुलेट करोगे, अब तुम्हारी हाइट 5 फुट 6 इंच है और हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बेंच कैलकुलेटर कैसे पॉसिबल है, ऐसा क्लियर हो रहा है, एक पे जो 60 डिवीजन है ना उसका 10 सेकंड आ रहा है, लेकिन जिसके 30 डिवीजन है वगैरह रेस्टर पे और 6 स्टिक पे है उनका निकल रहा है, तो 5 सेकंड उसमें लिखा कितना है, 5 सेकंड लिखा लिखा है, होगा और वो डीएवी में है, थर्ड ईयर में है डीएवी में, और कहीं है डीएवी और यूनिवर्सिटी पूछा है हमको पता क्या हो बैठा है, लोकल चीजें हैं, क्या बात कर रहा हूँ, बात
आप थोड़ी ना अच्छा बेटा एग्जाम होने एग्जाम होने तो बताते हैं ज्ञान से गली में आप लोग ब्लैक बॉडी a process in which thermal energy is either absorbed or emitted through the is known as black body radiation. ठीक है बेटा क्या समझ आ रहा है कि थर्मल रेडिएशन का प्रोसेस जब ब्लैक बॉडी में होता है उसी को हम क्या कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन ठीक है ना और रेडिएशन में क्या हो सकता है एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है एनर्जी इमिट भी हो सकती है ठीक है ना चलिए भाई जो खा रहा है वही ना उल्टी करेगा सीधी सी बात है तो अगर एब्जॉर्ब हो रहा है एमिशन भी हो है ना नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए कि इट इज सिक्स पावर दैट बेसिकली पढ़ेंगे हम लोग थर्मल कन्वर्जन का इट इज सिक्स पावर Emissive power. Emissive power. Emissive. Emissive power. Okay. The amount of heat energy. The amount of heat energy. The amount of heat energy. Or thermal radiation. The amount of heat energy. Or thermal radiation, the amount of heat energy or thermal radiation emitted from the or thermal radiation emitted from the amount of heat energy or thermal radiation or thermal radiation energy thermal radiation energy emitted from the thermal radiation energy emitted from the black body emitted from the black body emitted from the black body is emitted from the black body per unit emitted from the black body per unit emissive power per unit wavelength
द इमिसिंग पावर पर यूनिट वेवलेंथ इज नोन एज स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर स्पेक्ट्रल इसमें बोलते हैं नहीं बोलेंगे स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर इट इज डिनोटेड बाय E lambda is equal to emissive power बटे D lambda का मतलब क्या? चेंज या डिफरेंस. किसका डिफरेंस? इसमें डबल करते हैं. वेवलेंथ रीजन को रिप्रेजेंट करता है. किसको रिप्रेजेंट करता है? वेवलेंथ रीजन को. रीजन समझते हैं आप? जैसे मान लीजिए कि सन से रेज आ रही है आपकी तो सन में कई तरह की रेज होती है ना. अल्ट्रा वायलेट होती है, विजिबल होती है, इंफ्रारेड होती है. तो विजिबल की रेंज कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से कितनी होती है? 8000 एंगस्ट्रॉम. मोटा मोटा 4000 एंगस्ट्रॉम. 4000 एंगस्ट्रॉम का होता है आपका, ठीक है. इसी का डिफरेंस क्या है? डी लैम्डा. जो वेवलेंथ रीजन क्या करता है? बात समझ आ रहा ना? ठीक है. द यूनिट ऑफ इमिसिव पावर इज The unit of emissive power is emissive power की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा बताओ तो? What? Joule per meter square per minute ये होगा ना? बोलो बेटा. और इसकी यूनिट और क्या होगी बेटा बताओ? और कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर एंड डायमेंशन. अब डायमेंशन की बात है तो 9 से पर भेजे जाएंगे 9 के चले जाएंगे. एंड डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा इसका? -3. एंड डायमेंशन -3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं पर नहीं लिखेंगे. लिख सकते हैं ना वाट पर मीटर स्क्वायर. तो बेटा लैम्डा की बात नहीं हो रही है, इमिसिव पावर की बात हो रही है. स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? इमिसिव पावर. यस, जरा डेफिनेशन पढ़िए. द डेफिनेशन पढ़े ना, क्या कह रहा है बताइए? डेफिनेशन क्या कह रहा है? और मतलब कोई सरफेस है अगर उससे एनर्जी निकल रही है तो जो एनर्जी निकल रही है आप उस एनर्जी को पर मिनट सरफेस एरिया पर मिनट कैलकुलेट कर लीजिए. तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वही क्या कहलाएगी? आपका इमिसिव पावर कहलाएगी. और इमिसिव पावर मिनट बेटा क्या होगी? जूल पर मीटर स्क्वायर पर मिनट. और अगर आपने वेवलेंथ रीजन भी कंसीडर कर लिया है, मतलब किस वेवलेंथ लाइट हमारी निकल रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर. बात समझ आ रहा ना? सिर्फ एनर्जी की बात अगर है तो इमिसिव पावर है. एनर्जी के साथ साथ अगर आपने वेवलेंथ को भी कंसीडर कर लिया है तो क्या कहलाएगा बेटा? वो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर. तो बस ऐसे आप याद रखिए, आसान डेफिनेशन है, ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए, एब्सॉर्प्टिव पावर. The ratio of amount of
हीट द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्लैक बॉडी बाय द ब्लैक बॉडी बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट सरफेस एरिया बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट सरफेस एरिया पर मिनट पर यूनिट सरफेस एरिया पर मिनट एंड द अमाउंट ऑफ हीट 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 इंसिडेंट ऑन द एंड द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द एंड द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द ब्लैक बॉडी इंसिडेंट ऑन द ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया पर मिनट इज नोन एज एब्जॉर्प्टिव पावर is known as absorptive power. ठीक है ना तो absorptive power क्या होता है बेटा बताओ absorptive power क्या हो जाएगा बताइए absorptive power definition देना पड़ेगा देखिए बहुत आसान definition है absorptive power definition देखिए बहुत आसान है क्या definition है बताइए heat absorbed heat absorbed per unit एरिया पर मिनट एरिया पर मिनट हीट एब्जॉर्ब पर मिनट एरिया पर मिनट अपॉन हीट इंसिडेंट पर यूनिट एरिया हीट इंसिडेंट पर मिनट एरिया पर ठीक है This implies that A is equal to किसके equal है मान बताइए मान ये heat absorb हमारा क्या बेटा Q1 है ठीक है ना per unit area per minute heat incident क्या है बेटा Q है per unit area per minute ठीक है A से A cancel T से T cancel तो A बराबर किसके equal आ गया बताओ बेटा तो Q1 by आसान है क्वेश्चन आसान है कि भाई मान लीजिए 5 यूनिट आपकी आई बॉडी के ऊपर उसने 2 यूनिट अब्सॉर्ब कर ली तो 2 बटा 5 क्या कहलाएगा एब्जॉर्प्टिव पावर कहलाएगा आसान क्वेश्चन है मुश्किल है क्या the spectral absorptive power of a black body radiation is equal to
absorptive power of is equal to absorptive power of that black body radiation is equal to absorptive power of that black body radiation. ठीक है ना, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है बेटा, सेम होता है. कैसे सेम होगा बताइए, यहाँ पे आप डी लैम्डा से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आप डी लैम्डा से डिवाइड करेंगे, कट के क्या मिल जाएगा, एक मिला मिलेगा है कि नहीं. तो ले दे करके जो आपका ए लैम्डा है वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ए के, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू वन बाई क्यू टू. छाप दीजिए स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है बेटा, सेम. ठीक है, इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं. और आज आपने थर्मल रेडिएशन का जो बेसिक पार्ट था वो कर लिया, ठीक है ना. कल हम लोग किरचॉफ्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. चलो वो आता है ठीक है, चलो तो अच्छी से बात करते समाप्त, मुलाकात करोगे आप लोग बताइए.